अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साजिद कमर का चैनल और आज मैं आपको सिखाऊंगा हलवा बनाने का तरीका। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियोस को शेयर करना है, बस इतनी सी गुजारिश है आपको। मैं बहुत सारी जो है चीज़ें नहीं बताऊंगा, बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ आपको हलवा बनाना सिखाऊंगा और ये बहुत ही आजमूदा तरीका है और बहुत अच्छा हलवा बनने वाला है इंशाल्लाह। सबसे पहले जो आपने 2 कप चीनी ले लेनी है, ठीक है, और उसको एक पतीली में डाल लेना है। 2 कप चीनी के पतीली में डाल लें, ठीक है, और इसमें सिर्फ 1 पानी का जो कप है वो शामिल करना है। 1 कप पानी इसके अंदर डाल लीजिए। दो कप चीनी, 1 कप पानी और उसके बाद 1-2 चम्मचों के बराबर जो है लीमू का रस निकाल लें और उसको छान लें, ठीक है, और उसको फिर इसमें शामिल कर दें। अब हम इस सारे मिक्सचर को पकाएंगे और मीडियम हीट के ऊपर, और जब इसके अंदर एक बारीक सी तार बनने लग जाए या ये मटेरियल ठंडे पानी में इकट्ठा होने लग जाए तो इसको फिर आप हीट से उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अच्छा जी, अभी मीडियम हीट के ऊपर मैं इसको पका रहा हूँ चीनी वाले पानी को, और चीनी काफ़ी हद तक मिक्स हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो है अभी विस्कोसिटी या जो गाढ़ापन है वो भी इसमें शामिल नहीं हुआ, अभी इसमें नहीं आया, तो इसको भी हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जो है शीरा तैयार हो चुका है और काफ़ी हद तक तकमील के मराहिल पे पहुंच चुका है। इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे टेस्ट करना है। अभी तैयारी से थोड़ा सा पीछे है ये जो शीरा है, इसको अब हमने यहां पर पानी के ऊपर टिपकाया है और ये देखिए ये एकदम फैल गया जाके, अभी ये इकट्ठा होने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी और पकाना है। अच्छा जी नाज़रीन, देखिएगा इस वक्त ये काफ़ी हद तक जो शीरा है तैयार हो गया, तो फिर एक बार टेस्ट कर लेते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि ये तैयार हो गया प्रॉपरली कि नहीं हुआ। एक कतरा इसके अंदर फिर टपका के देखें, आप देखेंगे कि ये फैला नहीं है और अपना जो है वजूद इसने कायम रखा है और इकट्ठा भी हो रहा है, ठीक है जी। तो इस वक्त ये ऐसा पॉइंट है कि जब आपने इसको हीट से उतार लेना है पतीली को, क्योंकि शीरा काफ़ी हद तक पक चुका है। और इसके बाद हमारा फेज़ 2 स्टार्ट होगा जो हलवा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी तो नाज़रीन, हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका है, अब हम दूसरा स्टेप जो है हलवा बनाने का वो मुकम्मल करेंगे, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आपने हमारी पूरी वीडियो को इसी तरह देखते रहना है इसी, और इंशाल्लाह फिर हलवा बनाना सीख जाएंगे और बहुत ही डिलीशियस होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हलवा बनाने का जो दूसरा इंग्रेडिएंट है चीनी के बाद वो है कॉर्नफ्लोर। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ फूड नेट की तरफ से जो पैक है कॉर्नफ्लोर का, और इसका हमने 100 ग्राम का जो है अपने हिसाब से जो 1 कप बनता है वो हमने इस्तेमाल करना है। वैसे इसका जो वज़न है वो है 250 ग्राम, तो आपने उसमें से सिर्फ 100 ग्राम इस्तेमाल करना है और उसके अंदर फिर हम 3 कप पानी भी इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमने 1 कप निकाल लिया है, आपको एस्टिमेट के लिए बता देता हूँ कि ये एक पूरा पैकेट था, ठीक है, उसमें से अब कितना बच गया। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स वगैरह नहीं है तो आप अंदाजे से भी काम चला सकते हैं, ठीक है जी। इतना था और अब ये इतना रह गया है, 250 ग्राम है, तो ज़ाहिर है कि ये फिर बाकी 150 ग्राम रह गया। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि 3 कप पानी डाल देना है, और अब मैंने इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया है और किसी तरह के भी कोई लम्प्स या जो जुड़ जाते हैं पीसीज वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने मीडियम हीट पर इसी तरह पकाते रहना है, पकाते रहना है, पकाते रहना है, और बिल्कुल इसी तरह पकाते रहना है ताकि किसी भी किस्म के जो है वो इसमें लम्प्स भी ना रहें और हिलाते भी रहना, ठीक है जी। इस दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं हलवा हलवे की रेसिपी, ये
इसको तुर्किश ज़ुबान में लोकियम भी कहा जाता है, ठीक है। और मेरे बच्चे बहुत एंग्शियस हैं, बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि पापा आप हलवा कब बनाएंगे, हमें कब खिलाएंगे। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि थोड़ी सी खामोशी रखें, क्योंकि हलवे को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हलवा परेशान हो जाएगा तो ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो हलवे को हम इसी तरह पकाते रहेंगे और उसके बाद फिर ये हलवा अच्छा सा बन के तैयार हो जाएगा जी। तो हम इस वक्त कॉर्नफ्लोर और पानी के मिक्सचर को चूल्हे पर रख चुके हैं और इसको हम हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी जो है लम्प्स वगैरह ना बने और कॉर्नफ्लोर नीचे पतीली के साथ ना चिपक जाए, ठीक है जी। इसको हिलाते रहें, चमचा चलाते रहें ताकि ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है इस वक्त गाढ़ा हो गया और यहीं से आपका इम्तिहान शुरू होता है। आपने इसको जमने भी नहीं देना, नीचे लगने भी नहीं देना और इसको इसी तरह हिलाते रहना है, पकाते रहना है, ठीक है जी। और भी थोड़ी देर में ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर वो जो शीरा बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहना है, ठीक है जी। जब तक वो सारा शीरा इसके अंदर ऐड करके उसको आपने फिर भी हिलाते रहना, मिक्स करते रहना है और इसको नीचे लगने नहीं देना आपने, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें ज़ोर लगेगा और इसको इसी तरह पकाते रहें और फिर देखें इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। अब इस मिक्सचर को आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ा हो गया और इसको अभी हमने और गाढ़ा करना है, ठीक है जी। और मैंने इसका बर्तन भी तो चेंज कर दिया, सिल्वर का बर्तन ले लिया ताकि ये इसके साथ चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने शीरा ऐड करना है तो उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक काम हो जाएगा। शीरा अब आस्ता आस्ता इसके अंदर शामिल करना शुरू कर दें और ये सारा इकट्ठा शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ये शामिल करना है, दो चमचे, फिर उसके बाद मिक्स करें, फिर दो चमचे और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा रच बस जाएगा तो फिर उसका अगला स्टेप करेंगे। अच्छा जी, मिक्सचर को इसी तरह हिलाते जाएं और फिर एक मरतबा फिर जो शीरा हमने बनाया था उसके दो चम्मच इसके अंदर शामिल कीजिए और इसको फिर से हिलाना शुरू कर दें। इसी तरह हिलाते रहना है, मैं दोबारा बता दूं, ये इसको लगने नहीं देना और शीरा हिलाते जाएं, आई मीन ये जो कॉर्नफ्लोर और शीरा का मिक्सचर है इसको इसी तरह हिलाते रहिए जब तक सारा शीरा ख़त्म ना हो जाए। अच्छा जी, अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी का शीरा है उसको शामिल करता जा रहा हूँ। आप इसकी शक्ल देख लीजिए, थोड़ा सा इस वक्त इस जो है काफ़ी लचीला भी हो गया और इसकी कह लें कि विस्कोसिटी बढ़ गई है, इसकी डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है जी। अभी मज़ीद इसके अंदर शीरा शामिल करना बाकी है जी। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इतना मिक्सचर गाढ़ा हो गया। अब हमारा एक स्टेप मुकम्मल हो गया क्योंकि हमने तमाम शीरा इसके अंदर शामिल कर दिया बारी बारी। और अब आपने क्या करना है कि 6 चम्मच घी के बारी बारी उसी तरीके से इसके अंदर शामिल करने हैं और इसी तरह पकाते रहना है। एक चमचा शामिल करके थोड़ा सा उसको पकाएं, फिर दूसरा चमचा शामिल करें, इसी तरह आपने टोटल 6 चम्मच घी के शामिल करने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर एक चम्मच घी का और शामिल कर लें। अब तक मैं 2 चम्मच घी के शामिल कर चुका हूँ, ठीक है जी। और ये 3रा चम्मच है घी का, ठीक है। इसी तरह इसको शामिल करें और मिक्स करते जाएं जब तक ये मिक्सर गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा जी, देखिएगा कि इस वक्त ये इसकी सिचुएशन है, अब इतना गाढ़ा हो गया है। मैंने इसके अंदर सिर्फ 5 जो इलायची के पीस हैं, इलायची के दाने हैं, वो बारीक पीस कर या ग्राइंडर से ग्राइंड करके तो छान कर सिर्फ इसके बारीक बारीक ज़र्रे डाल दिए हैं, ठीक है जी। और बाकी जो उसके छिलका और बाकी चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं की हैं। और सिर्फ एक कतरा केवड़ा का जो है, केवड़ा एसेंस है, उसका इसके अंदर डाला है, ठीक है। ज़्यादा नहीं डाला ताकि ये ओवर इसकी स्मेल ना हो और खाया जाए आसानी से। अब मैंने एक पैन को घी लगा कर रख लिया है और इसके अंदर इसको अब चूल्हे से उतार कर उसके अंदर डाल दूंगा और उसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा। मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए, मैंने एक पैन जो है, एक सादा सा पैन है, उसके अंदर मैंने उसको हल्का सा घी लगा कर तैयार कर लिया है, ठीक है जी। और मैं अब इसके अंदर जो हमारा मटेरियल था मिठाई का तैयार हो गया है उसको मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ, इसके अंदर उंडेलने लगा हूँ। अच्छा जी, ये सारा मटेरियल मैं अब इसके अंदर उंडेल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया है। काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है,
तो जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, फिर देखेंगे इसका क्या सिचुएशन बनी है इसकी। इसको मैं तसल्ली से इसके अंदर पोर कर रहा हूँ, डेल रहा हूँ। आपने इसको फ्लैट कर देना है इसके ऊपर और यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको बराबर हिस्सों में तक एक ही लेवल पे रख देना, ताकि ये इवनली ठंडा हो जाए, कहीं से गर्म और कहीं से सर्द ना रहे। घी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि जो एक्स्ट्रा घी है वो जमने के बाद डिसॉल्व हो जाएगा या थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अच्छा, ये जो मिक्सचर है इस वक्त कॉर्नफ्लावर और शीरे का, इलायची का, इस सब को मैंने गर्म करके अब फाइनली ट्रे में डाल लिया और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये फैल जाए, मगर ये काफ़ी डेंस है और अपने आप को जिसे कहते हैं स्ट्रेची है, बार बार वापस स्ट्रेच कर लेता है। तो ये देखा जाए तो एक अच्छी बात है, आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, ताकि ये खाने में भी आसानी रहे और इसको कटिंग के लिए पीसीस भी आसानी से बन जाए। एक ही लेवल के बनाएं आप, ठीक है, एक ही लेवल इसका मेंटेन करें, और ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर बॉक्स में ही आप इसको रखें, है तो उसके अंदर कर लें। मेरे पास अवेलेबल था, मैंने उसी के अंदर इसको स्प्रेड कर लिया। अब इसको आपने काफ़ी देर तक रखना है ठंडा करने के लिए, और गरम गरम नहीं इसको यूज़ करना, सर्व नहीं करना, ठीक है। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके साथ फिर एक और प्रोसीजर रह जाएगा कटिंग का, और इसके ऊपर हम हल्का हल्का थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे चीनी का, ताकि ये अलग अलग पीसीज रहें। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अभी तक ये बना नहीं है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है कि किसी तरह ये बन जाए आज। और यकीन मानिए कि कोरोना के जो इस वक्त हालात हैं, आप अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह बिज़ी रखें, कभी उनसे कोई चीज़ बनवाएं, कभी पेपर प्लेन्स बनवा लें, कार्टून्स बनवा लें, ताकि आप भी बिज़ी रहें और आपके बच्चे भी बिज़ी रहें। अभी देखिएगा, मैंने इसको इवनली जो है प्रेस करता जा रहा हूँ, तो एक फ्लैट सा हो गया है। अच्छा जी फ्रेंड्स, दोस्तों, भाइयों, अब इस वक्त ये जो हलवा है ये ठंडा हो चुका है। अब इसको सिर्फ आपने कटिंग करना है, और इस दौरान जब ये ठंडा हो रहा था तो मैंने क्या किया था कि ये एक चम्मच चीनी और थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लोर है, सिर्फ दो चुटकियाँ जितना कॉर्नफ्लोर, वो मिक्स करके ग्राइंड करके रख लिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके साथ हमने क्या करना है। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लें। कटिंग के लिए आप कोई भी आपके पास टूल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली, जो आपको जिस पे आपका हाथ सेट हो, ठीक है जी। और मैंने इसमें थोड़ी सी एक ज़्यादती कर दी है कि इसके अंदर घी थोड़ा सा ज़्यादा है, आप 6 चम्मचों की बजाय आप 5 चम्मचे डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आप इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा पतला रखें, इसको बिल्कुल गाढ़ा ना होने दें जब ये पका रहे हों, और थोड़ा सा पतला रखें। उसके बाद आप इसको पैन में बिल्कुल ऐसे जैसे लिक्विड पोर करते हैं उस पर डालें, जेली की फॉर्म में ना डालें, ताकि अपनी शक्ल एक जैसी रखे और जो बर्तन के साथ फ्लैट बिल्कुल हो जाए और इसकी एक जैसी यूनिफॉर्म शक्ल आए, ठीक है जी। अब मैंने इसको इस तरह काट लिया है, और अब आप देखें इसके बाद मैं इसको मज़ीद यहाँ पर ऐसे कट लगा रहा हूँ, और इसको आप हम ब्लॉक्स की सूरत में या स्केयर की सूरत में काट लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी तरफ इसको टर्न कर लें और इसको इसी तरह कट करते जाएं। अब ये जली की फॉर्म है इसलिए इसको पकड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप इसी तरह स्केयर की फॉर्म में कट करते जाएं, बच्चों को बिज़ी रखें। और मेरे बच्चों ने तो आज इंतहा की हुई है, शोर कर रहे हैं, उनको पता लग गया पापा बिज़ी हैं, और अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वीडियो बन रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको वीडियो पॉज करके थोड़ा थोड़ा डांट लेता हूँ, ताकि वो थोड़ा शोर कम रखें। लेकिन याद रखिए, बच्चों को डांटना मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बच्चे मजबूर भी बात बहुत करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं उनको उनके ऊपर हाथ उठाने के लिए। लेकिन किसी समझदार ने कहा कि हाथ तब उठता है जब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, तो कोशिश करें आपके अल्फाज ख़त्म ना हो, समझने समझाने के लिए अल्फाज बाकी रखें, गुस्सा कम से कम करें,
मुझसे तो जितना हो सकता है मैं कंट्रोल करता हूँ, जब फिर कंट्रोल नहीं होता तो फिर थोड़ा सा गुस्सा बाहर आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ही मैंने सारा जो पाउडर है उसके अंदर पोर कर दिया है, उंडेल दिया है, बल्कि कहना चाहिए कि स्प्रिंकल कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि इस पाउडर वाले जो मिक्सचर को, हलवे को आपस में इस तरह मिक्स कर लेना। अब हमारी कोशिश होगी कि ये आपस में चिपके नहीं, इस मकसद के लिए आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऊपर से मज़ीद छिड़क सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये टुकड़ियाँ मैंने काट ली हैं, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और छिड़कूँगा ताकि ये अलग अलग हो जाए। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़का है ताकि इसका जो चिपचिपापन है या जो स्लाइमीनेस है इसके अंदर वो ख़त्म हो जाए। और अब मैंने सारे मटेरियल को मिक्स कर लिया। हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी बनाइएगा अपने घर में और इसको, इस प्रोसेस को और परफेक्ट कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी आप ये देख सकते हैं ये कितनी स्ट्रेची किस्म की जो है ये मिठाई है, हलवा बहुत शानदार है, खाने में भी बहुत मज़े की है, मैंने ट्राई की थी। अभी आप भी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस काफ़ी देर तक रहे, आपने मेरी वीडियो को देखा, आपको बहुत शुक्रिया। और आप इसको ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।